नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। जो लोग भी नेताओं का रुतबा, उनका रुआब या फिर उनके साथ चलने वाला सुरक्षा घेरा देखकर प्रभावित होते हैं, जिन्हें लगता है कि नेता जो हैं वो जो चाहते हैं वो होता है, क्योंकि लोगों को, आम लोगों के मन में अक्सर यही धारणा होती है कि ये जो सियासी लोग होते हैं इनके हाथ में सब कुछ होता है। सत्ता सुख के साथ साथ विधायक या सांसद विपक्ष में भी बैठे रहते हैं तो भी उनका अपना एक जलवा होता है, और जाहिर तौर पर जब उनके साथ एक बड़ा सुरक्षा घेरा होता है तो उससे उनका रुतबा थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। पहले लाल बत्ती गाड़ी भी थी, हालांकि ये अलग बात है कि अब लाल बत्ती गाड़ी नहीं होती, लेकिन लाल बत्ती गाड़ी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल मानी जाती थी, और अब ये जो सुरक्षा घेरा है वो सियासत चमकाने के लिए माना जाता है कि आप कितने बड़े नेता हैं, इस पर असर करता है कि आपके साथ सुरक्षा घेरा कितना बड़ा है। उन लोगों को, जो लोग प्रभावित होते हैं, उन्हें बिहार में इस वक्त सुरक्षा को लेकर चल रही सियासत पर जरूर शायद सोचने का मौका मिल रहा होगा। वो सोचते भी होंगे कि आखिर ये सुरक्षा घेरा होता क्या है, क्या वाकई नेताओं पर खतरे को देखते हुए सुरक्षा घेरा उनका बढ़ाया जाता है, या उनके खतरे को कम देखते हुए सुरक्षा घेरा हटा लिया जाता है। ये आम लोगों को लगता है कि ऐसा ही होता होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर किसी नेता का सुरक्षा घेरा हटता है तो वो नेता नाराज हो जाते हैं, वो माननीय नाराज होते हैं, और ये नाराजगी दिखी है बिहार में। बिहार में राबड़ी देवी के आवास से कुछ सुरक्षा बल हटाया गया, कुछ जवान हटाए गए हैं बीएमपी के। इसको लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। कहा यह जा रहा है कि लालू परिवार की सुरक्षा को लेकर सरकार जो है वो लापरवाही बरत रही है, कुछ खतरा हो सकता है। सरकार कह रही है, पुलिस महकमा कह रहा है कि सुरक्षा घेरे में कोई कटौती नहीं हुई है, बल्कि लालू प्रसाद यादव के नाम पर जो सुरक्षा दी गई थी, जो घेरा दिया गया था वो हटाया गया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जेल में है। खैर, इस पर पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने ये चिट्ठी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखी है। इस पत्र ने फिलहाल पूरे सूबे का सियासी तापमान बढ़ा रखा है। पत्र में राबड़ी देवी ने लिखा है कि उनके आवास पर दिखावे मात्र के लिए सुरक्षा कर्मी क्यों रहे। मैं ये निर्णय कर शेष बचे प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मी व गाड़ियों को अविलंब सरकार को वापस कर रही हूँ। मेरे एवं मेरे परिवार के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेवारी गृह विभाग एवं गृह विभाग के मंत्री की होगी। सुरक्षा रात में 9 बजे 8 बजे हटाया जाता है, देख लीजिए क्या तमाशा हो रहा है सरकार के, रमीला कर रहा है सरकार, साजिश है मरवाने के लिए, पूरा परिवार के मरवाने के लिए साजिश हो। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने साफ किया है कि सुरक्षा में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है, बीएमपी के जवानों को नियमों के मुताबिक ही वापस बुलाया गया। सुरक्षा व्यवस्था न तो हटाई गई है और न ही इसमें किसी प्रकार की कमी या कटौती की गई है। केवल श्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जी बिहार के साथ प्रतिनियुक्त बीएमपी का बल, उनके न्यायिक हिरासत में रहने के फलस्वरूप वापस किया गया। दरअसल सुरक्षा को लेकर सियासत तब शुरू हुई जब पुलिस मुख्यालय ने राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड के आवास पर तैनात बीएमपी 2 के जवानों को वापस बुला लिया। लेकिन सुरक्षा में कटौती से नाराज राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपनी बाकी सुरक्षा लौटाने की भी बात की। ना हमको डर नहीं है, हम जनता के बीच जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, जनता के बीच जाते हैं, जनता सुरक्षा हमारा करेगा, ऊपर भगवान है, नीचे जनता है, जनता अब सरकार दोषी होगा, कुछ भी होगा सरकार दोषी होगा, प्रशासन दोषी होगा। आपके बेटों की भी सुरक्षा वापस, सब सब सब। शांति का वातावरण नहीं होगा, मिल्लत का वातावरण नहीं होगा तब तक जो है देश तरक्की नहीं कर सकता है। और दूसरे, आप जो है बिहार में एक नया विवाद, नया तनाव पैदा करके आप जो है राजनीति करना चाहते हैं, कल कुछ हो गया तो आग लगेगी बिहार में ना भाई, उसका जवाब दे कौन होगा। इधर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने राबड़ी देवी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और सरकार पर हमला बोला। बदले की भावना से तो हर काम कर ही रहा है, इस समय जो किया गया, जबकि शादी वादी का भी मामला है, इस पर भी लोग नहीं सोच किया। हाँ, रिंग सेरेमनी 18 तारीख को है, ऐसे में ये लोग क्या के ये अपना जो नैतिकता का जो प्रकाष्ठा है नीचे जाने का, उसको इन लोगों ने दिखा। इधर सत्ता पक्ष का कहना है कि जिसको जितनी सुरक्षा चाहिए मिल रही है,
जिसके ऊपर आरोप तय हो गया है, जो व्यक्ति जेल के अंदर है, तो उसको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? संविधान में ये नहीं कहता कि जिसको सजा हो जाए उसको भी सिक्योरिटी मिले। नियम कानून से सरकार चलता है और कानून अपना काम करता है, उसके दायरे में इनका सिक्योरिटी कटा है। आरजेडी नेता लगातार सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बढ़ाने की बजाय उसमें कटौती की गई, लिहाजा आरजेडी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस सुरक्षा घेरे को लेकर बवाल मच गया है। आरजेडी कह रही है कि हम खास तौर पर हम कहें तो राबड़ी देवी को भी हमने सुना, पूर्व मुख्यमंत्री, वो कह रही हैं कि हम लोगों को मरवाने की साजिश रची जा रही है और अगर कुछ भी खतरा होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। और पुलिस मुख्यालय कह रहा है कि कोई सुरक्षा वापस ली ही नहीं गई है, जिस कैटेगरी की सुरक्षा है उससे ज्यादा सुरक्षा बल उनके लिए तैनात किया गया है, इन नेताओं के लिए। खैर, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी की तरफ से विधायक एजिया यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संजय सरावगी हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस विधायक अमित टुन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दानिश रिजवान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में। एजिया यादव जी, शुरुआत हम आपसे करेंगे। राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है, उसमें कोई बदलाव नहीं। राबड़ी देवी के लिए 27 सुरक्षाकर्मी शुरू से तैनात हैं, उसमें कोई एक भी सुरक्षाकर्मी की कमी नहीं। तेज प्रताप यादव के लिए 10 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, एक भी कमी नहीं। उसके बाद भी ये हो हल्ला क्यों? देखिए, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित रहता है कितने सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, कितने सुरक्षा कर्मी चाहिए। तो अगर इसका उल्लंघन हो रहा है तो ऑफकोर्स हो हल्ला तो होगा ही। और मैं बता दूं कि जब वहाँ वो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, काफ़ी दिन तक मुख्यमंत्री पद संभाली है, उप मुख्यमंत्री जी उनके बेटे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री दूसरे बेटे रहे हैं, तो जितनी भी सुरक्षा चाहिए वो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही मिली हुई है। तो इसमें अगर फेरबदल होगी, तब्दीली होगी, तो ऑफकोर्स हम लोग एक डेमोक्रेसी में है, वी आर गोइंग टू रेज आवर वॉइस और वही हम लोग कर रहे हैं। चलिए, वो तो आप अपने मतदाताओं को और अपने समर्थकों को एड्रेस करने के लिए बोल रही हैं, आधिकारिक तौर पर आप कह सकती हैं कि राबड़ी देवी की सुरक्षा में जितने जवान थे उनमें कटौती की गई है? बिल्कुल नहीं, शायद आप इन्फॉर्म नहीं है। हाँ, तो मैं तो आपको संख्या बता रहा हूँ, मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा के तहत 27 सुरक्षा कर्मी मिले हैं, उसमें 27 से 26 नहीं हुए। तेज प्रताप यादव को वाई श्रेणी के तहत 10 सुरक्षा कर्मी मिले हैं, 10 से 9 नहीं हुए, फिर इतना बखेड़ा क्यों? देखिए, आखिर सुरक्षा कर्मी घटाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता होने के बाद अब न्यायिक हिरासत में है, लालू प्रसाद यादव हिरासत में है, इस वजह से उनके नाम पर सुरक्षा राबड़ी देवी के आवास पर क्यों रहे? आज अप्रैल में अचानक लालू प्रसाद यादव जी के सुरक्षा कर्मियों की डिस्कशन क्यों हो रहा है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर लालू प्रसाद यादव जेल में है, हिरासत में है, प्रोबेबली यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड, अभी का जो सुरक्षा कर्मी है ये राबड़ी देवी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी उनका था, और भले ही नंबर आंकड़ा आप जो मतलब, भी मतलब आप मतलब मुझे एक आरजेडी विधायक की तरफ से एजिया यादव जी ये कहना चाह रही हैं, अगर सडनली दो को हटा एजिया यादव जी, वी आर गोइंग टू रेज अ, मतलब मैं ये कहूँ कि एजिया यादव जी या फिर आरजेडी पार्टी जो है वो पुलिस मुख्यालय से ज्यादा आधिकारिक तौर पर सिक्योरिटी के बारे में बात करेगी कल से। कल से बिहार में यही होने वाला है कि आरजेडी बताएगी कि सुरक्षा में कितने तैनात थे और कितने हटा लिए। आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को इतना सुरक्षा, इतने सारे सुरक्षा कर्मी मिले हुए क्यों? क्योंकि उन पे जूता फेंका जाता है, काला झंडा दिखाया जाता है? हमारे नेता की सुरक्षा तो हमारी जनता है, और अभी तक जितना एग्जिस्ट कर रहे थे, सडनली क्या नेसेसिटी पड़ी? सीबीआई आ जाती है नरेंद्र मोदी के साथ, रातों रात सुरक्षा कर्मी का आंकड़ा घटा दिया जाता है, आपको लगता है कि ये सिर्फ आपको लगता है कि सिर्फ आपके नेता के साथ हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन आपको लगता है कि ये सिर्फ आपके नेता के साथ हो रहा है? जो है लालू प्रसाद यादव इन्हीं की फैमिली के पीछे लगी है, लगता है आज पूरे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, सबको सिर्फ एक ही काम हुआ है कि सीबीआई को
एक अपने हिसाब से तोड़े ममोड़े और अपने हिसाब से काम करवाए और अब तो वो इतनी नीची राजनीति में आ गए हैं। शादी और एंगेजमेंट का माहौल बन रहा था तो वहाँ पे ये लोग सडनली डिसाइड करते हैं कि सुरक्षा यादव जी कहाँ जा रही है, कम कर दी जाए। कहाँ आप सीबीआई तक पहुंच गई? मैं बात सुरक्षा की कर रहा हूँ, आप सीबीआई जांच पर चली गई। ऑफ कोर्स ये जो सुरक्षा कर्मी का आंकड़ा था जो भी था ये घटाने की आखिर नौबत क्यों आई? आपकी जानकारी के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए एक सूचना आपको दे देता हूं, आपकी जानकारी के लिए सिर्फ। 2014 में केंद्र सरकार में बीजेपी केंद्र में सत्ता में आती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। 2015 में जो देश का नक्सलवाद के मामले में सबसे खतरनाक स्टेट में से है वो है छत्तीसगढ़। वहां के बीजेपी शासित मुख्यमंत्री रमन सिंह, उनकी सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडो को केंद्र सरकार ने हटा लिया। अब बताएं कि रमन सिंह के खिलाफ क्या केंद्र ने कोई साजिश कर दी थी क्या? देखिए ये सिचुएशन आप रमन सिंह की तुलना आप लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली से नहीं कर सकते। नहीं, मैं छत्तीसगढ़ के उस स्टेट की बात कर रहा हूं जहां सबसे ज्यादा खतरा होता है वहां के मुख्यमंत्री पर। एक साल से जिस तरह से टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहा है पता चल रहा है कि साजिश के तहत इस परिवार के पीछे हाथ धो करके साजिश है या सियासत, मुझे लगता है दूसरा आप बहुत अच्छे से जानती हैं। अब तो ये साजिश है या सियासत आप बखूबी जान रही हैं। ये अलग बात है कि आप अपने समर्थकों को या फिर अपनी पार्टी के समर्थकों को एड्रेस कर रही हैं। खैर निखिल मंडल जी, ये बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि सरकार जानबूझकर लालू परिवार को खतरे में डाल रही है। देखिए बहुत सी चीज समझने वाली है और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि आरजेडी के अपने आंकड़े होते हैं, जबकि एडीजी ने खुद ब खुद स्वतः आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और बहुत क्लियरली सारे आंकड़े के साथ। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, रावड़ी जी इंटाइटल्ड है 36 जिन्हें मिले हुए हैं 56, तेजस्वी जी को 17 मिलने चाहिए मिले हुए हैं 27, तेज प्रताप को 3 मिलने चाहिए मिले हुए हैं 10, इसके अलावा 10 नंबर जो आवाज है उससे 13 के जवान है जी जी जी, यानी टोटल 106 लोग इन तीन आदमी के लिए। इसके अलावा जो 13 ऐसे पुलिसकर्मी थे, सिर्फ उस 13 पुलिसकर्मी जो लालू जी के लिए डिप्यूट किया गया था, वो बाय रूल यही है कि अगर वो व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो वो स्वतः वो पुलिस वापस हो जाएगी। तो उसी के तहत अगर लालू जी जेल में है, जब है ही नहीं तो उनकी सुरक्षा देखिए, यानी मैं जितने एंटाइटल थे मैं वो बता रहा था, आपने ये बताया कि इतने दिए गए, यानी जितने जितनी उनको होनी चाहिए सुरक्षा उससे बढ़ा कर दी गई। और अब सबसे बड़ी बात आप सोचिए, बिहार जैसे स्टेट में जहां 11 करोड़ की जनता है वहां मात्र 80,000 पुलिसकर्मी है, जहां ऑलरेडी पुलिस की कमी है, वहां ये 3-4 आदमी 100 से अधिक पुलिसकर्मी अपने गार्ड और अपने रौब दिखाने के लिए रखे हुए हैं, और 13 वैसे जो बाय रूल 13 पुलिसकर्मी जो लालू जी के तहत वहां पे तैनात था वो लालू जी के जेल जाने के उपरांत अगर हटा लिए गए हैं तो ये तरह तरह के बयानबाजी करके एक राजनीतिक रूप दे रहे हैं। ये खुद ब खुद दिखता है, आप ये खुद सोचिए लॉजिकली कि 3 से 4 आदमी के लिए 106 आंकड़े। मैं किसी भी पार्टी के लिए मैं एजेडी आपसे कहूंगा कि मैं सिर्फ आरजेडी के लिए नहीं कह रहा, आरजेडी हो बीजेपी हो जेडीयू हो कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, मुझे लगता है कि ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि नेता जो हैं ये सियासी लोग ये कहते हैं कि नहीं मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे और बड़ा घेरा चाहिए। ये किस तरह का मजाक होता है बिहार में? अभिषेक जी, दानिश रिजवान साहब बताएं। अभिषेक जी, अभिषेक जी, देखिए अभिषेक जी, अभी निखिल मंडल जी ने जो डाटा दिया है मुझे लगता है ये किताबी डाटा है। किताबी डाटा नहीं, मेरे पास लेटर है। अरे लेटर का, अरे मेरी बात निखिल जी मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो सिक्योरिटी का डाटा है ये हमारे पास में भी है और सरकारी साइट पे भी अवेलेबल है। देश में मुख्यमंत्रियों की सिक्योरिटी में स्टेट पुलिस का सबसे ज्यादा दुरुपयोग बिहार में हो रहा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जनता की सेवा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए M10 M14 जैसे घातक हथियार मंगाए थे जो नक्सलियों से लड़ने के लिए आए थे, लेकिन उन हथियार को इन्होंने अपनी सिक्योरिटी में रख लिया, SSG में रख लिया। उनके तीन तरह का सिक्योरिटी का जो दायरा है, SSG है जो रिंग सिक्योरिटी के अंतर्गत आती है, उसके बाद फिर एक और SSG की सिक्योरिटी है, उसके बाद फिर BMP की सिक्योरिटी है, और फिर बिहार पुलिस की सिक्योरिटी। अरे निखिल जी सुन लीजिए, मैं ये मेरा डाटा नहीं है, ये आपके पुलिस का डाटा। अरे मेरी बात सुनिए, अरे सर, अरे होम मिनिस्टर कौन है बिहार का? होम मिनिस्टर कौन है बिहार का? होम मिनिस्टर कौन? निखिल जी गलत डाटा, 400 सिपाहियों का, 400 सिपाहियों। दानिश रिजवान जी आप बताएं, यहां पर आप मुख्यमंत्री की सुरक्षा की बात कर रहे हैं,
हैं या राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती हुई है, ये बड़ा सवाल। आप कहीं और मत ले जाइए, आप मुझे ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा हटाई गई है या राबड़ी देवी की हटाई गई है, हाँ या ना, इसमें बताइए मुझे। अभिषेक जी अरे एक मिनट अभिषेक जी, हाँ, बिहार सरकार का एक गजट है, हाँ, कि जो सिक्योरिटी मुख्यमंत्री को है वही सिक्योरिटी पूर्व मुख्यमंत्री को भी मिलेगी, ये बिहार सरकार का गजट है। और अगर लाल नीतीश कुमार जी को जितनी सिक्योरिटी 400 सिक्योरिटी मिली है तो उतनी सिक्योरिटी तो राबड़ी जी को भी मिलनी चाहिए, कायदे से देखा जाए, क्योंकि इक्विवेलेंट है, जब तक एक्स चीफ मिनिस्टर है तब तक उनको रहना है, कहां बिहार के किसी उप एक्स चीफ मिनिस्टर को दिया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात, आपने बड़ी मार्केबुल आपने भी उठाई, मैं भी इससे इसका समर्थक हूं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी अगर जेल में है तो आप उनकी सिक्योरिटी हटा रहे हैं, और जब गुजरात में अमित शाह जी जेल में बंद थे तो नरेंद्र मोदी जी ने उस टाइम उनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं उठाई थी, आज उसी गठबंधन में बैठे हैं, इन्होंने जिस परिपाटी की शुरुआत करी। नहीं नहीं, मैं वहीं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आप कैसी बात कर रहे हैं, जब आप कैसी बात कर रहे हैं, कैसी, लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं, लालू प्रसाद यादव पर आरोप सिद्ध होने के बाद वो जेल में है, क्या अमित शाह जी जेल में हरि कीर्तन करने गए थे क्या? नहीं नहीं, अभिषेक जी जेल में अमित शाह हरि कीर्तन करने गए थे? आपको लगता है कि अमित शाह जो है वो सजा याफ्ता हो गए थे, उनको सजा हो गई थी? नहीं नहीं, जेल गए थे ना तो नहीं, आप मुझे आप कैसी बात कर रहे हैं, दोनों में बहुत जेल गए थे ना, दोनों में फर्क तो आपको समझना ही पड़ेगा, बनाया कि जेल में बंद है, नहीं नहीं जेल में सिक्योरिटी हो रही थी उनकी, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये सुरक्षा, आप इस बात को स्वीकारते हैं कि लालू प्रसाद की सुरक्षा हटाई गई है? राबड़ी देवी जी की भी सुरक्षा को हटाया गया, हमें आपत्ति लालू जी पर नहीं है, हमें आपत्ति राबड़ी जी की सिक्योरिटी पर, सिर्फ बयानबाजी में मत कहिए, आपने अभी अभी आपने खुद कहा कि लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा क्यों हटाई गई, यानी आप मानते हैं कि लालू प्रसाद की सुरक्षा हटी है? जब आपने गलत किया, जब आपने, आप अपने लिए अलग कानून बनाइएगा और दूसरों के लिए अलग कानून बनाइएगा। ये मुझे लगता है दानिश रिजवान जी, देखिए दानिश रिजवान जी, जाहिर तौर पर आप महागठबंधन का हिस्सा हैं, तो उनके प्रति थोड़ी तो आपकी वफादारी और आपके एक होगा, जाहिर तौर पर ये होना भी चाहिए। वफादारी की बात नहीं है, बिल्कुल जब बिहार बिल्कुल है, ये मुद्दा है, जब बिहार सरकार, अमित कुमार टुन्ना जी के पास चलते हैं, टुन्ना जी आप कुछ कह रहे हैं, बताएं टुन्ना जी कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा था, हाँ, कि आज जो इन लोगों ने सिक्योरिटी हटाई है तो 19 दिसंबर को लालू जी को सजा हुई, उस दिन हटाते तो लगता, एकाएक इन लोग प्लानिंग के तहत, यहाँ तो मोदी जी का कहावत है, आप जाइए वहां गुजरात में, लोग कहते हैं जो मोदी के खिलाफ जाता है वो अंदर जाता है चाहे ऊपर जाता है, ये लोग कहते हैं, हम लोग गए थे चुनाव में, लोगों का वर्षन था कि उनके खिलाफ जो रहता है वो चाहे जेल में है चाहे ऊपर है, तो यहाँ डर है ना, अगर लालू जी को सजा 19 दिसंबर को ही तो सरकार उस दिन क्यों नहीं जगी, उस दिन लालू जी की सिक्योरिटी हटा दी, आज जो उनके साथ हो रहा है क्यों, ये सोचने की बात है, कहीं ना कहीं साजिश की आ रही है, मुझे लगता है हमें टुन्ना जी ये भी है, सोचने की बात तो ये भी है कि ये चित और पट का खेल नहीं होता है, सुरक्षा की समीक्षा होती है, नहीं, नहीं, कोई नहीं, भी फैसला सरकारी तौर पर जब आप लेते हैं तो थोड़ा वक्त तो लगता नहीं, है ना, आप, क्या आप ये कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव को जिस दिन सजा सुनाई गई उसी दिन उनकी सुरक्षा हटा ली जाती, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, तो 4 महीना लगेगा आपको तय करने में कि लालू जी को सजा हुआ उसमें क्या होना चाहिए, कब, मैंने ये सरकार का सिस्टम है किस तरह से काम करेगी, पुलिस की एक कमेटी होती है वो डिसाइड करती है, नहीं ये कमेटी 4 महीने में बैठा रहा है। अमित टुन्ना जी, आपसे ही मेरा सवाल है, आप मुझे ये बताएं 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, ये सरकार जानती है कि किस तरीके से काम कर रही होगी, कितना वक्त लगा ये वो जाने या पुलिस मुख्यालय जाने, मैं सिर्फ इस बात पर अभी चर्चा कर रहा हूं कि ये जो एक एड्रेस किया जा रहा है पब्लिक को, यह बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी की सुरक्षा हटाई गई, उसमें कितना सच कितना झूठ, मुद्दा यह है, क्योंकि यह सियासी जलेबी जो बिहार में बन रही है कि मुद्दा होता है कि सिक्योरिटी हटी किसकी, लेकिन बात घुमा के अमित शाह भी आ जाते हैं, नरेंद्र मोदी आ जाते हैं, कोई और आ जा रहा है, हकीकत क्या है? नहीं नहीं, अभिषेक जी, जनता के करोड़ों रुपया लूटने वाले लोग आज अपने को पीड़िता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, सजा याफ्ता लोग, जो लोग जो सजा याफ्ता हैं, क्या उनके सुरक्षा को उनके दरवाजे पर स्टेटस सिंबल के रूप में, इनके अलायंस के नेता है वो उसी घोटाला में रहा है, जा रही है साइंस से लोग, मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ वो सजा उनको बड़ी किया जाता है, जो गरीब पुरवा का नेता है सुरक्षा नहीं सजा दिया जाता है, कोई तेज प्रताप की सुरक्षा नहीं घटाई गई, जो सजा याफ्ता है जो जेल के अंदर है
वो झारखंड विभाग का, झारखंड सरकार का जेल विभाग उनके सुरक्षा को देखेगा, ना कि उनके पत्नी के घर के गेट पर उनके दर्जनों बीएमपी के जवान रहेंगे। ये चलने वाला बात नहीं है। उनके पिता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा, जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके कोई सुरक्षा को नहीं घटाया गया है, और अपने को पीड़िता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। चार चार केस में जो सजा आपका है, सर जानकारी ले ले है, नहीं नहीं जानकारी नहीं लेने, मैं तो सबसे कह रहा हूँ, एजे यादव जी हो, दानिश रिजवान हो या अमित तुन्ना जी हो, आप तीन लोग हैं जो यहाँ पर कह रहे हैं कि सुरक्षा हटाई गई, लेकिन आप में से कोई इस बात को नहीं क्लियर कर पा रहा है कि क्या वाकई एक भी सुरक्षा बल राबड़ी देवी की संख्या में से कम किया गया। विपक्ष के नेता आलोचना और अशिष्टता का जो है अंतर मिटाने पर तुले हुए हैं, जो उनके पिता के उम्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में ऐसे ऐसे अशिष्ट शब्द, उनको डरपोक और बुजदिल कहा जा रहा है, विपक्ष के नेता को अशिष्टता और आलोचना में अंतर। चलिए एजे यादव जी कुछ कहना चाह रही हैं। एजे यादव जी, एक मिनट संजय सरावगी जी एजे यादव जी कुछ कहना चाह रही हैं। एजे जी ये बार बार जो कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से उनकी हत्या कराने की कोशिश की जा रही है, ये कहकर क्या भड़काऊ बातें नहीं हो रही हैं? उनको जान से खतरा। संजय सरावगी जी उस घर में प्रधानमंत्री को धमकी देते। अच्छा संजय जी एक मिनट एजिया जी को बोलने दीजिए। एजिया जी जान के खतरा है, ये जो है प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, उनका ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। संजय जी अमित तुन्ना जी, संजय जी एक मिनट, संजय जी जेल में उनको दर्जनों सुरक्षा कर्मी। संजय जी एजिया जी को बोलने दीजिए। संजय जी एक मिनट, जेल विभाग उनकी सुरक्षा। संजय जी आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, आप प्लीज संजय जी, हथियारों का शासन होगा, बिहार को लगेगा, और बिहार में वैसे लोगों की सरकार है जिन्होंने हत्या कराई है, और एक भी सुरक्षाकर्मी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, यह सरकारी आंकड़ा है, झूठा भ्रम बिहार में फैलाया जा रहा है। चलिए संजय जी आपने अपनी बात कह ली है, एजिया जी को बोलने दीजिए। संजय जी आपने अपनी बात कह ली है, एजिया जी को बोलने दीजिए प्लीज। हाँ जी एजिया जी, अनुशासित डिबेट करवाएं और टर्न बाय टर्न प्लीज बोलने दें जी। आप सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, सबसे पहले जब करप्शन और क्राइम की बात हो रही है तो क्रिमिनल एक्टिविटीज के सरताज कौन है? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह तरीपार हैं, कितने सारे केसेस अभी भी उनपे चल रहे हैं। अब बिहार के राष्ट्रीय, बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष, आपको राबड़ी देवी की सुरक्षा की चिंता है या आपको कुछ और चिंता? एजिया जी आपकी चिंता क्या है? इसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बताइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहते हैं, शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं चुनौती देता हूँ, इनके चुनौती को स्वीकार करता हूँ, ये साबित करें, और नहीं तो इस पर जो है कार्रवाई कर, मैं चुनौती देता हूँ। बताइए कुछ बोल देना टीवी के डिबेट पर, ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। अमित शाह तो नहीं पा रहे, नहीं है, नहीं है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जिस तरीके से अपमानित किया गया मोतिहारी में, अच्छा लगता है? इस तरह का शब्द तो अमित शाह खुलेआम ऑपोजिशन के लिए यूज करते हैं। और एजिया जी आपकी चिंता क्या है? आपको राबड़ी देवी की सुरक्षा की चिंता है या आप अमित शाह और गुजरात की चर्चा यहाँ करने बैठी है? डाइवर्ट एजिया जी, डाइवर्ट टॉपिक को आप करवा रहे हैं, और अगर टॉपिक डाइवर्ट हुए तो ऑफकोर्स आप राबड़ी देवी की बात करिए, आप राबड़ी देवी की सुरक्षा की चिंता करिए, जो कह रही हैं कि उनकी हत्या की साजिश हो रही है, जो करोड़ों अरबों रुपया लूट लिए, वो जो है अपने पिता के रूप में अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये सब नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता जानती है, बिहार में न्याय के साथ सबके विकास, सबका साथ सबके विकास। निखिल मंडल जी संक्षेप में आपकी टिप्पणी जी। नहीं, वही कहा मैंने आंकड़े के साथ। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि सारी सुरक्षा, पहली बात तो है कि ये जो डिबेट है बिल्कुल ही ये राबड़ी जी पे तो लाना ही नहीं चाहिए। लालू जी की सुरक्षा थी, लालू जी जेल में है तो स्वतः वो सुरक्षा वापस हो गई, 13 सुरक्षा कर्मी चले गए, अभी भी 106 सुरक्षा कर्मी उनको वहां मौजूद है, लेकिन फिर भी इनको दिक्कत है। अब सुरक्षा कर्मी मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पावर निकलाने के लिए सुरक्षा कर्मी चाहते हैं। जहां बिहार, मैंने पहले भी बोला और आज भी फिर दोहराऊंगा कि जहां 80,000 मात्र बिहार में पुलिस कर्मी है,
11 करोड़ जनता पे पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगा दिया आपने, जहां मात्र 80,000 पुलिसकर्मी हैं उनमें से 400 पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री जी ने लगा लिया। आम और लीची की सिक्योरिटी लगा है, आम और लीची। चलिए ये बिहार, मतलब मुझे लगता है कि जनता जो देख रही होगी वो भी सोचती होगी कि वाकई बिहार के नेता सुरक्षा को लेकर इतने ज्यादा लालसा भरी निगाहों से क्यों सुरक्षा घेरे को देखते हैं। उनको लगता है कि शायद ये सुरक्षा मिल जाएगी वो बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल बन जाएगा उनके लिए। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि आम लोग यहाँ चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर हो और यहाँ हमारे माननीय चाहते हैं कि उनके साथ एक लंबा चौड़ा सुरक्षा घेरा हो। ये चिंता की बात है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। निखिल मंडल जी, अजय यादव जी, संजय जी, अमित जी और दानिश रिजवान साहब। बात विभाग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।